नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। शाम के 6 बज चुके हैं और पूरे बिहार में नाइट कर्फ्यू लागू है। इस वक्त हम पटना के डाकबंगला चौराहे पर मौजूद हैं, जहां पर आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या तस्वीर है। जो पटना पुलिस के जवान हैं वो लगातार मुस्तैद बने हुए हैं। जो भी लोग चाहे वो 4-चक्का वाहन से सवार हों, चाहे वो 2-चक्का वाहन में सवार हों, पुलिस जो है उनसे कड़ी पूछताछ कर रही है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक करी। उसके बाद वाजिब जवाब अगर दिया जा रहा है तो ही उसे पुलिस जो है वो आगे बढ़ने दे रही है। और साथ ही ऐसे व्यक्ति जो कि जवाब नहीं दे पा रहे, उन्हें सख्त हिदायत और सख्त एक तरह से कह सकते चेतावनी देकर छोड़ दिया जा रहा है। आज पहला दिन है, पुलिस के जवान यही कह रहे हैं आज पहला दिन है। वहीं पर अलग अलग तर्क जो है, ज़्यादातर जो वाहन से सवार हैं उनके तर्क दिए जा रहे हैं। और देख सकते हैं कि डाकबंगला चौराहे पर कमोबेश आधे घंटे से यही स्थिति बनी हुई है। गाड़ियों की आवाजाही जो है वो कल के मुकाबले आज भी उतना ही है, लेकिन जो जवानों की मुस्तैदी है वो बढ़ गई है। नाइट कर्फ्यू का आज पहला दिन है और देख सकते हैं तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं डाकबंगला चौराहे पर, जहां पर जो पटना पुलिस ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो सभी गाड़ियों से पूछताछ करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जा रहा है। और ये पूछताछ की जा रही है आखिर क्यों आप अभी घर के बाहर हैं और अपने वाहन को चला रहे हैं जबकि बिहार में नाइट कर्फ्यू है। लोग जो हैं वो अपने अपने तर्क दे रहे हैं। कुछ मेडिकल की वजह से कह रहे हैं कि हॉस्पिटल जाना है। और ये देख सकते हैं कि एक गाड़ी को जो को अभी साइड में ले जाया जा रहा है पटना पुलिस के जवान से। हम आगे आपको दिखाएंगे आखिर क्या कुछ होता है, लेकिन आवाजाही जो है वो लोगों की बरकरार है। पूछताछ जो है वो पुलिसकर्मी कहाँ से आ रहे थे, नाइट कर्फ्यू है अभी? जी सर, नाइट कर्फ्यू है, लेकिन बस हम ऑनलाइन थे तो अब हम घर जा रहे हैं। एयरपोर्ट से इनको पिकअप किए हैं और हम जा रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एयरपोर्ट से अभी घर जा रहे हैं। देखिए एम्बुलेंस सेवा भी लगातार जारी है और सभी, चाहे वो 2-चक्का वाहन हो चाहे 4-चक्का वाहन हो, उनसे पूछताछ की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि देखिए 4-चक्का वाहन जा रहा है, पुलिस ने उन्हें रोका। मालूम नहीं है, लोग 6 बजे कर्फ्यू लग जाता है। नहीं, आज इमरजेंसी, वो आदमी डेट कर गए थे तो उन्हीं को छोड़ने गए थे। ठीक है, निकल। देखिए ये तस्वीरें देखिए, एक बस जो है वो घूम रही जा रही है। मालूम है ना, मालूम है ना 6 बजे के बाद में निकलना। चले हैं 4 बजे भी ईटा से, 4 बजे चला तो 6 बजे तक तो घर चल रहा है ना, और क्या कर रहा है? पता नहीं है कि बिहार में नाइट कर्फ्यू है, पता तो ये है। हम लोग तो आ रहे हैं
तेल लेने मालूम नहीं कि 6 बजे के बाद नहीं घूमना है? घूमना नहीं, डीजल लेने के लिए। डीजल नहीं था सर, आपको मालूम नहीं है कि 6 बजे के बाद? सर देखिए सर, अभी आज मैंने हम लोग का टोटल मैंने इस चीज को मैंने पता हुआ है कि 6 बजे से नई गाड़ी चलेगी। आज पता? हाँ आज गाड़ी नहीं चलाना है, इमरजेंसी मेडिसिन लेने जा रहे हैं, मेरी सिस्टर बीमार है घर पे, इसी के लिए तो गाड़ी नहीं जाना है। कुल मिलाकर कहें तो पहला दिन है आज नाइट कर्फ्यू का, जब 6 बजे के बाद पूरे बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तस्वीरें जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पटना के डहबंगला चौराहे पर है। हम लगातार फेसबुक लाइव के माध्यम से दिखा रहे हैं आखिर पटना के डहबंगला चौराहे पर किस तरीके की डेवलपमेंट जो है वो है, लोगों की आवाजाही है जो कल के मुकाबले कर सकते हैं, कल ही जितने लोग जो हैं वो आज भी पटना की सड़कों पर, खासकर मुझे पटना के डहबंगला चौराहे पर उतनी भीड़ नज़र आ रही है जितनी कि कल मुझे दिखी थी। हालांकि आज ये अंतर ये है कि पुलिसकर्मी यहाँ पे खड़े हैं और जो भी लोग यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है आखिर क्यों आप इस वक्त सड़कों पर हैं। वाजिब जवाब मिलने के बाद पुलिसकर्मी उन्हें जाने देते हैं और साथ ही सख्त हिदायत भी दी जाती है कि ये देखिए एक गाड़ी है लेने के लिए। कौन सा दवा लेने? मास्क लगा पहले, सबसे पहली बार तो मास्क लगा। कौन सा दवाई लेने गए? दवा लेने गए तो दवा मिला नहीं, मेडिकाना गए थे बोरिंग रोड। पेपर दिखाओ। कौन सा पेपर? अरे जो मेडिसिन लेने गए उसका पुर्जा होगा ना, कोई डॉक्टर लिखेंगे ना? नहीं, तबीयत खराब था, पैरासीटामोल लेने गए थे। किसका तबीयत खराब? मेरे पिताजी का। तो कुछ भी बहाना निकाल के रोड पे घूम लेना। बहाना हम क्यों, चार चक्का चलाएंगे, हमको तो और टेंशन होता है चार चक्का चलाएंगे। देखिए मेडिकल कहा गया कि जो चार चक्का में सवार युवक थे उन्होंने कहा कि वो पैरासीटामोल लेने के लिए बाहर निकले थे, हालांकि पुलिस ने उन्हें आगे जाने दिया क्योंकि मेडिकल एक बड़ी समस्या है और ये मेडिकल ही एक ऐसी वजह कोरोना की वजह से ही ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन हालांकि पुलिस की तरफ से एक तरह से कह सकते हैं कि कड़ी चेतावनी दी जा रही है, उसके बाद उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। हम ये फेसबुक लाइव आपको लगातार दिखा रहे हैं पटना के डहबंगला चौराहे से, जहां पर आप देख सकते हैं कि जवान जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और कमोबेश यही नज़ारा पटना के अलग अलग इलाकों में भी देखा जा रहा है। सामान्यतर तौर पर कल जितनी आवाजाही पटना की सड़कों पर देखी जा रही थी आज भी उतनी ही आवाजाही पटना की सड़कों पर देखी जा रही है। नाइट कर्फ्यू भले ही लगा दिया गया हो 6 बजे के बाद, लेकिन जो आवाजाही है वो कम नहीं हो रही है 6 बजे के बाद। हालांकि कल और आज में आप ये फ़र्क कह सकते हैं कि आज जो है वो पुलिस पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है, ¡Gracias!
देखेंगे, दिखाइए कहाँ घूम रहे हैं बाबू, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उधर 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 बोलिए। कार्ड है डॉक्टर का, आइडेंटिटी कार्ड है, दिखाइए। बाहर निकला, चलो उसको हटाओ, पहले तुम हटा। कहाँ से सटाया गया इमरजेंसी मेडिसिन, कौन है, गाड़ी किसका, आप डॉक्टर हैं, बोल कहाँ से रहता है सर, बात ही कर रहे, तुमको बोलना जरूरी है, मैं बोलेगा सर ना। दिखाइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वही देख रहे हैं। ये खोलो, ये खोलो, हाँ ये तो आप कार्ड दिखा रहे हैं, ये आय कार्ड चाहिए ना, हम डॉक्टर हैं, क्योंकि सर ठीक है सर, मैडम किस क्लिनिक का है, कहाँ पे क्लिनिक, आप मैडम सुनिए ठीक है, हम आप ये नहीं कर रहे हैं, आप कार्ड रखें, वो सब नहीं चलेगा, कर्फ्यू लग गया, फाइन हो जाएगा, गाड़ी सीज हो जाएगी, जाइए आप, जाइएगा बराबर, कार्ड रखिए, छोड़ देंगे, समझ गया ना, 6 बजे के बाद नहीं जाना है, जल्दी भाग। देखिए उसका प्रूफ दिखाइए, दिखाइए दिखाइए, उसका डेट देखिए, डेट देखिए ना, 26/4/29 का है, देखिए भैया 6 बजे के बाद निकलिएगा, गाड़ी हम सीज कर लेंगे, स्पष्ट बात, हम लोग के बस के बात नहीं है, आप ही लोग करवाए हैं, आप ही लोग कर रहे हैं, हम लोग तो जहाँ कहिएगा वहाँ जाएंगे, रात में लगा दीजिए, दिन में लगा दीजिए, जहाँ लगाना है ड्यूटी करेंगे, हाँ तो प्रूफ दिखा दीजिए हमको, आप जाइए, वो 4 तारीख का है, फोन में थोड़ी रहता है, डॉक्टर देखते हैं तो पेड़ पे देखते हैं, कैसे नहीं रहता है डॉक्टर, आरके जहाँ है उनका है, वीडियो कॉल पे देख रहे हैं, ठीक है वो कॉल पर देख रहे हैं, आप गाड़ी से जा रहे हैं तो हम चेक इन में हम चेक करेंगे ही, आप डॉग लेके जा रहे हैं, देख नहीं रहे, बैठे हुए हैं, देख नहीं रहे सर, कम बोलिए मैडम, फाइन कर देंगे हम, तब तुरंत हम फाइन कर देंगे, हम मानने वाले नहीं है, 6 बजे के पहले जाइए आप, प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, डॉक्टर से दिखाइए, कल से नहीं करेंगे, जाइए, तो जो नियम है उसको लागू, तो ताले में घुमा रहा है लगता है कि, डर करके आप यहाँ है क्या, अकेले को हम नहीं है, बैग में है, खाने भी है, हम भी है, हम भी है,
देख सकते हैं तस्वीरें हम आपको लगातार पटना के डाक बंगला चौराहे से दिखा रहे हैं, जहां पर जो पुलिस कर्मी हैं वो सभी गाड़ियों की पूछताछ कर रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? भैया को एयरपोर्ट छोड़ के आ रहे हैं सर। हैं? भैया को एयरपोर्ट छोड़ के आ रहे हैं। क्या प्रूफ आप दिखाइए? हाँ, टिकट सर, उनको विड्रॉ किया है। उसका टिकट या कुछ देख लीजिए, हमको दिखा दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। जी सर, थोड़ा सा आप लोग कंसिडर कीजिए कि 6 बजे से पहले कोई भी काम कर लिया कीजिए, क्योंकि चेक इन चल रहा है, हम लोग के ऊपर जिम्मेवारी है, जवाब देना पड़ता है सर। कुल मिला कहें तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो पूरी तरीके से एक तरह से कह सकते हैं कि मुस्तैद है पटना के डाक बंगला चौराहे पे। हम आपको लाइव वीडियो दिखा रहे हैं आखिर किस तरीके से पुलिस जो है वो गाड़ियों की जांच कर रही है और हिदायत दी जा रही है पुलिस की तरफ से कि आप 6 बजे के बाद घर से बाहर न निकलें। पुलिस की सख्ती जारी है, हालांकि पहला दिन है आज नाइट कर्फ्यू का, जब 6 बजे के बाद ही नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक एक गाड़ियों से पूछताछ और सभी गाड़ियों से बिना पूछताछ से कोई भी गाड़ी बाहर नहीं निकल रही है और लगातार जो मुस्तैदी है वो पुलिस कर्मियों की जारी है। आप देख सकते हैं कि पटना के डाक बंगला चौराहे से हम आपको कई मिनटों से लगातार लाइव वीडियो दिखा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो तमाम न्यूज़ फॉर नेशन के दर्शक, हम भी यही कहेंगे, आपसे अपील भी करेंगे कि 6 बजे के बाद बेवजह घर से ना निकलें। पुलिस की सख्ती है और ये सख्ती आपके और हमारे लिए ही लगाई गई है ताकि हम और आप इस कोरोना की विकराल स्थिति जिस तरीके से पूरे बिहार में भयावह बनी है उस संकट का सामना कर रहे हैं। और ये जो एक नाइट कर्फ्यू जो लगाया गया है 6 बजे के बाद, वो इसलिए ही लगाया गया है ताकि कोरोना का जो प्रकोप है जिस तरीके से विकराल हो रहा है वो कमे, जो चेन है जो वो चेन टूटे, और ये चेन तभी टूटेगी जब हम बेवजह सड़कों पर न निकलें। 6 बजे के बाद कर्फ्यू जारी है, पुलिस के जवान भी मुस्तैद हैं, डबल मास्क सभी जो कर्मी हैं उन्होंने लगाया हुआ है, और सभी जो टू व्हीलर दो चक्का वाहन हो चाहे चार चक्का वाहन हो सभी से पूछताछ की जा रही है आखिर क्यों इस वक्त आप बाहर हैं। और हिदायत दी जा रही है पुलिस कर्मियों द्वारा कि आप घर से ना निकलें बेवजह। जो अलग अलग लोग हैं जो पुलिस ने उनसे पूछताछ की, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें हॉस्पिटल जाना है, वो डॉक्टर से दिखवा के आ रहे हैं, दवाइयां लेनी है इसलिए बाहर जा रहे हैं। तो कुछ का कहना था कि ज़रूरी हो गया था घर से बाहर निकलना इस वक्त, इसलिए हम अभी बाहर हैं। न्यूज़ फॉर नेशन भी आपसे अपील करता है कि बेवजह घर के बाहर ना निकलें, क्योंकि ये वक्त जो है वो काफ़ी नाजुक है, कोरोना जो है वो नाजुक मोड़ पर बिहार में पहुँच चुका है। सरकार की तैयारियाँ इस ये मानकर चल रही है सरकार के 3 लाख अगर कोरोना के संक्रमित मरीज होते हैं तो किस तरीके से स्थितियों पर काबू पाया जा सके। अभी भी सिलेंडर की कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी अस्पतालों में देखी जा रही है, वेंटिलेटर की कमी अस्पतालों में देखी जा रही है, अभी भी बेड की समस्या पूरी बिहार में बनी हुई। ऐसे में सबसे बढ़िया कोरोना को मात देने का उपाय यही है कि इस चेन को तोड़ा जाए, और ये चेन को तोड़ना बहुत ही सरल है, ये आपके और हमारे हाथ में ही है। ये नौबत ही ना आए कि कोई भी व्यक्ति अस्पताल जाए, और ऐसा तभी हो सकता है जब आप अपने घरों में रहें, और एक तरह से कहें घरों में रहें, घर से बाहर ना निकले, जब ज़रूरी हो तभी निकले। और हो सकता है कि ऑनलाइन भी आप कुछ अगर ज़रूरी सामग्री हो तो वो मंगवा सकते हैं, तो यही वजह है कि आप घर से ना निकले। ये न्यूज़ फॉर नेशन भी लगातार अपने दर्शकों को ये अपील करता है। तस्वीरें आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पटना के डाक बंगला चौराहे की है। लगातार जो भी गाड़ियां यहाँ पे आ रही है उनसे पहले पुलिस वाले उन्हें रोकते हैं और फिर उनसे पूछताछ करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो जो भी दलील दी जाती है उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं आइंदा से याद रखिएगा आज पहला दिन है इसलिए हम तो आपको छोड़ रहे हैं, लेकिन कल से इस तरह बेवजह मत घूमिएगा। पटना पुलिस की सख्ती, और ये सख्ती ज़रूरी है, ये सख्ती इसलिए है कि आप और हम महफूज रह सकें, और आप और हम तभी महफूज रह सकते हैं जब कोरोना का जो चेन है वो टूटे, और चेन तभी टूटेगा जब सड़कों पर आवाजाही कम होगी, और ये आवाजाही कम तभी होगी जब आप बेवजह पटना की सड़कों पर या कहीं भी बिहार की सड़कों पर ना निकलें। जब तक
बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप सड़कों पर ना निकले, घरों में ही रहें। यह वक्त आपके और हमारे लिए एक तरह से कह सकते हैं संकट काल है, और इस संकट काल से निपटने का रास्ता हमें और आपको ही मिलकर निकालना है, और इसका तरीका यही है कि घर में रहें। देखिए, एक चार चक्का वाहन को फिर पटना ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने रोका, पूछताछ की जा रही है। संभवतः तकरीबन घंटों भर से मैं यही देख रहा हूँ कि जो भी गाड़ी, एक भी गाड़ियाँ ऐसी नहीं होती हैं जिन्हें बिना पूछताछ के आगे जाने दिया जा रहा है। जब संदेह पुलिस को गहरा होता है तो उन गाड़ियों को साइड ले जाती है, ले जाते हैं पटना पुलिस। ये देखिए, जो गाड़ी आपको दिख रही है स्क्रीन पर, उसे साइड किया गया है। तो एक लंबी पूछताछ की जाएगी, आखिर कुछ संदेह हुआ होगा पुलिस को, इसलिए उस गाड़ी को साइड किया गया है। हम उस गाड़ी के करीब जा रहे हैं और देखेंगे आखिर पुलिसकर्मी। चलिए, पुलिस ने लाइसेंस की मांग की है। तो कुल मिलाकर हम आपको आधे घंटे से तकरीबन ये वीडियो दिखा रहे हैं, लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या तस्वीर पटना के डाक बंगला चौराहे पर है इस नाइट कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए, क्योंकि पटना पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ पटना की सड़कों पर लगे हुए हैं। और ख़ासकर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो पटना के सबसे व्यस्तम चौराहों में से एक माना जाने वाला पटना के डाक बंगला चौराहे की तस्वीरें हैं, जहाँ पर पुलिस जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ एक एक जो आने और जाने वाले जो लोग हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको ये वीडियो जो है वो यहीं पर एंड कर देते हैं। हमने आपको पूरे विस्तार से बताया किस तरीके से और क्यों ये ज़रूरी है ये नाइट कर्फ्यू हमने ये भी बताया। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।